यह व्यक्त करते हुए दुर्योधन स्वयं पर इतरा भी रहा था। वह बताना चाह रहा था अपने गुरु द्रोणाचार्य को कि उसकी सेना में ऐसे महान योद्धा भी हैं जो उसके लिए अपने प्राणों का निछावर करने के लिए आतुर हैं, अपने जीवन का त्याग करने के लिए व्याकुल हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित भी हैं और युद्ध विद्या में पूर्णतया पारंगत भी हैं। वो कहता है कि हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति मात्र भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी सेनापति भीष्म पितामह को पूरी तरह से सहायता प्रदान करेंगे। इतना सुनने के बाद कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह अपनी शंख जो सिंह गर्जना की ध्वनि सी विकरल होकर निकली बजाते हैं और उच्च स्वर से बजाए उस शंख से दुर्योधन को हर्ष होता है। तत्पश्चात शंख नगाड़े विगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठते हैं। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण होता है। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजेय साहित्य ध्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी की शब्दामान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडव पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्धत होते हैं। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर पार्थ अपने सारथी बने श्री कृष्ण से ये वचन कहते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे वासुदेव, मेरे परम सखा, मेरे प्रिय मित्र, मेरे भगवन, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, जिससे मैं यहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा से पधारे हुए हमारे उन तमाम रिश्ते नातेदारों को करीब से देख सकूं, जो अपने अपने शस्त्रों को यहां पर परीक्षण हेतु लाए हुए हैं। उन्हें मैं नजदीक से देख सकूं, भली भांति पहचान सकूं कि आज जिनसे मुझे लड़ना है, आज मुझे जिनका वध करना है, वो कौन है जो मेरे समक्ष इस युद्ध भूमि में अपनी सेना के साथ खड़े हैं, वो कौन है। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहां पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन और उसके भाइयों को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं।